डायरेक्ट आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे जेल। पेमेंट का ही प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। बट नहीं, वो भी आगे पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि रेफरेंस आईडी नहीं मिला। यू हैव टू मेक द पेमेंट प्रोसीजर एंड यू हैव टू क्रिएट द न्यू एप्लीकेशन टुगेदर। सो आप सोच रहे हो एक साथ, फिर आप जाइए मेक पेमेंट में। ओके, मेक पेमेंट में जाके पहला एवरी सिक्स मंथ्स यू हैव टू अपलोड दैट वेटरनरी सर्टिफिकेट, ठीक है, GRIPS। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पर पेमेंट करना होगा। वो इंस्पेक्शन करेगा, उनके पास रहेगा फॉर्म टू, वो फिल करेगा, ठीक है, वो फॉर्म टू फिल करेगा, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिले। पार्ट थ्री है, कहाँ पे करना पड़ेगा ये वही वही पड़ी होगा, ये टू का ही करेक्ट, परिवेश टू का ही। जो पार्ट टू में साइटिस अपेंडिक्स टू का क्या होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, आपको अगर सब कुछ ठीक रहा अप्रूवल दे देगा, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन की जगह में डालना है। लोग का यही प्रॉब्लम हम लोग सुनते हुए आ रहे कि पेमेंट वो लोग कर नहीं पा रहे, ऑनलाइन में किस तरह से पेमेंट करें। तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेके हम लोग ये वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज ऑनीज एक्वा का और एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और आज हमारे वीडियो का गेस्ट है मिस्टर राहुल बैनर्जी ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइट। अच्छा, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एस टू उसका परिवेश टू का जो पेमेंट का प्रोसीडियर है, यानी किस तरह से अल्टीमेटली उसको जो आप सक्सेसफुली आप कंप्लीशन करोगे, ख़त्म करोगे, कुछ लास्ट डेट है? यस, एब्सोल्युटली। तो हाँ, तो लास्ट डेट क्या होंगे ये? ओके, सो परिवेश 2.0 का जो नोटिफिकेशन आया था फ्रॉम गवर्नमेंट, इट वाज ऑन 28th February। ओके, 28th February, आई एम रिपीटिंग द डेट। सो इट इज रिटन, द पीरियड इज रिटन, नो एग्जैक्ट डेट हैज गिवन, सिंस द नोटिफिकेशन हैज बीन गिवन 6 months फ्रॉम दैट। ओके, सो दैट टेक्निकली मींस 28th of August। देखिए देखिए, क्यों करना है ये तो हम लोग बतला चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, क्यों परिवेश का इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना है, इसका गाइडलाइंस एंड ऑल दैट। तो अभी आते हैं कि किस तरह से करेंगे, दैट मीन्स इसका पेमेंट या तो पूरा प्रोसीडियर। तो इसका पूरा प्रोसीडियर हम लोग को थोड़ा सभी व्यूअर्स को थोड़ा समझा दीजिएगा। चालू हुआ था और उसका 6 महीने तक ही टाइम दिया गया, टाइमलाइन। So that means it ends on 28th August. Technically it is that, but many people think it is up to 30th August or 31st August. It is actually not, okay? So exactly. So people who will, आप कोई भी आप लोग अगर आप 28 के बाद कर रहे हो ना, वो it can get rejected from them. मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, परिवेश 2.0 is what I am considering that you already have done 1.0. ओके, माना जा रहा है कि परिवेश 1 ऑलरेडी हो गया है। एग्जैक्टली, सो आज भी मेरे पास कॉल आ रहा है कि मेरे पास तो कोई फाइल ही नहीं है, यानी वो परिवेश 1 भी exactly, किया ही नहीं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर परिवेश 1 का जो ऑलरेडी आपने फाइल्स है आपके पास, जो लीगल फाइल्स है, आपने किसी से ट्रांसफ़र लिया है, वो एक्विजिशन किया है, ये मैं पकड़ ले रहा हूँ आपने सबने किया है, एटलीस्ट ट्रांसफ़र फाइल है आपके पास। ओके, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, नहीं तो नथिंग कैन बी डन विदाउट परिवेश ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या परिवेश कुछ भी, मतलब विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ 1.0 नथिंग इज लीगल। बहुत लोगों आज भी बहुत कंफ्यूज्ड है, मैंने ये खरीद लिया है तो अभी मैं क्या करूँ। आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट उनसे मांगिए, किसी का ट्रांसफ़र रहने का मतलब क्या है कि पकड़ लीजिए मैंने ख़रीदा है अनिर्बान दास से कुछ भी एग्जॉटिक साइटी स्पीसीज, ठीक है, वो ट्रांसफ़र दे रहा है, तो कि पहला फाइल जो था वो अनिर्बान का हो गया, इसका मतलब दैट इज़ ट्रू फाइल ऑफ वॉलेंटरी डिस्क्लोजर। वॉलेंटरी डिस्क्लोजर के बाद उसका एक बच्चा हुआ, वो बच्चा प्रोजेनी में डाला अनिर्बान दा ने, फिर मेरे को दे दिया, दैट इज़ ट्रांसफ़र फाइल, कि आपका प्रोजेनी मेरे को आप दे दिया, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। आपने कैसे एक्विजिशन किया, आप बोल सकते हो कि आपका पेट स्टोर से लिया, तो आपने लिया कि आप जो बिल दोगे ना, यही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रे एरिया हो गया। आप अगर दे रहे हो कि बिल दुकान का, दैट इज़ दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, इट हैज़ टू बी that though the government has decided you need to have परिवेश transfer certificate or परिवेश voluntary disclosure, कुछ भी मतलब प्रूफ करने के लिए परिवेश फाइल रहना ज़रूरी है।
तो दोस्तों अभी आते हैं किस तरह से हम लोग ये ऑनलाइन में ये जो एप्लीकेशन किया जाएगा, पूरा प्रोसीड्योर एंड पूरा जो पेमेंट प्रोसेस, ये अभी हम लोग समझते हैं, ये लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो अभी क्या करना है, दो चीज़ साइमल्टेनियसली करना है। पहले आप परिवेश में लॉगिन कर रहे हो, आपका जो नया विंडो आ गया है वहाँ पर एक ब्लू में लिखा होगा एग्जॉटिक स्पीसीज, वहाँ पर टैप कर रहे हो, वहाँ पर आपका न्यू माई प्रपोजल विंडो ये है। पहला एक आता था ग्रीन विंडो में, वो अभी नहीं है, दैट विल बी इनवैलिड, सो ऑल योर 1.0 पेपर्स विल बी इनवैलिड। सो नाउ आप लोग क्या कर रहे हो, यू आर ट्रांसफरिंग योर 1.0 फाइल्स टू 2.0। जैसे कि पकड़ लीजिए आपका बैंक, बहुत सारा बैंक मर्ज हो गया रिसेंट टाइम में, तो अकाउंट ट्रांसफर हो गया कि मेरा था इलाहाबाद बैंक, मेरे पास मैसेज आया, तो ट्रांसफर के लिए जो जो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगते थे हम लोग जाके दिए थे। तो पहला बात जो है ग्रिप्स पोर्टल, GRIPS। तो यहाँ पर पहला चीज़ आपको क्या करना होगा, मेक एन अकाउंट, जैसे कि आप फेसबुक अकाउंट खोलते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंस्टाग्राम, यहाँ पर एक अकाउंट बनाइए, रजिस्टर कीजिए पहले आपका, ठीक है। फिर आप जाइए मेक पेमेंट में, ओके। मेक पेमेंट में जाके पहला जो स्टेप है फिल कीजिए, वो आप पहला स्टेप रहेगा आपका नाम, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। फिर सेकेंड जो स्टेप आएगा, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम कोलकाता, ओके। फॉर एवरी स्टेट इट विल बी डिफरेंट, द हेड अकाउंट नंबर विल बी डिफरेंट, आई विल ऑल्सो गिव यू द हेड अकाउंट नंबर जहाँ पर पेमेंट करना होगा, मगर वो चीज़ लॉक्ड रहेगा। सो फॉर अदर स्टेट आई डोंट नो वेदर क्या है वो, आपको एक बार आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके हेड अकाउंट नंबर लेके आना होगा, ओके, अदरवाइज इट वोंट वर्क। अकाउंट नंबर स्टेट टू स्टेट, यस, बिकॉज यू आर पेइंग द, व्हाट शुड आई से, आई एम पेइंग टू द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WBFD। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अनिर्बंध समझ गया एकदम बात। सो आई एम पेइंग फॉर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सो जो भी आप लोग देख रहे हो स्क्रीनशॉट वगैरह जो आप अटैच करते रहोगे, दैट इज फॉर कलकत्ता। ये गलती से मत कलकत्ता का हेड अकाउंट आप दे दिए, राजस्थान में ठहर रहे हो, एग्जैक्टली, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका जो आपका पेमेंट तो जाएगा फर्स्टली, बिकॉज ट्रांजैक्शन तो होगा, मगर एप्लीकेशन गलत होगा, एग्जैक्टली, व्हेन व्हेन दे वैलिड भी हो जा सकता है, एग्जैक्टली, सो इट, सो योर होल प्रपोजल विल बी इनवैलिड, इट विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज इन देयर फॉर इन देयर फाइनेंस, आपको पेमेंट देके फिर से करना पड़ेगा, फिर तो टाइम नहीं रहेगा, एग्जैक्टली। आप लोगों को कब पता चलेगा कि आप इनवैलिड हो कि नहीं हो, ये तो पता चलेगा आफ्टर 28th August, ठीक है, फिर कोई नहीं बचा पाएगा किसी को, ओके। सो दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। मूविंग फॉरवर्ड, आपको जो जहाँ पर यहाँ पर लिखा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन नेम, किसको पेमेंट करो, ओके, प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, रीच आउट टू योर नियरेस्ट पर्सन जो आप जानते हो कि जो किया है, या अगर किसी को नहीं मिला तो आप मेरे को कॉल कीजिए, ठीक है। अच्छा, इन दैट केस आपका नंबर, हाँ वो लास्ट में दे देंगे। अच्छा, आप 8981470435, यू कैन रीच मी आउट फ्रॉम माई नंबर, यू कैन रीच मी आउट थ्रू द गिफ्ट ऑफ फ्लाइट पेज एज वेल, ओके, बट दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प everyone, ओके, रहे हो, इट विल बी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ओके, वहाँ पर बहुत सारा डिपार्टमेंट रहेगा क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट साइट, सो यू आर पेइंग, यू कैन पे फॉर एग्रीकल्चर, यू कैन पे फॉर इंजीनियरिंग साइट्स, एवरीथिंग विल बी देयर, हियर यू आर पेइंग फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ओके, ये पहला बात रहेगा। सेकेंड बात चाहेगा सर्विस, किस सर्विस के लिए यू आर पेइंग इट, ओके, इट विल बी लाइसेंस फीस फॉर ब्रीडर्स ऑफ एग्जॉटिक लाइव स्पीसीज, रिमेंबर दिस, बहुत सारा कुछ रहेगा। आप किस लिए पेमेंट कर रहे हो, यू आर पेइंग फॉर द लाइसेंस फीस फॉर द एग्जॉटिक ऑफ ब्रीडर्स लाइसेंस, सर्विस की जगह में लिखना, सर्विस पे जाओ, इट इज़ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, यू विल जस्ट चूज इट, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, ओके। थर्ड, यूजर टाइप, आपका टाइप क्या है, इट विल बी डिपोजिटर, यू आर डिपोजिटिंग द मनी, करेक्ट, ओके। नाउ कम्स DDO/DFO, ओके, ये आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, that will be DCF, WL bracket HQ, ये मैंने समझा नहीं, मतलब ये समझने का कुछ बात नहीं है, it is a drop down menu that will come, you will just put DCF, F,
WL Wildlife ब्रैकेट HQ मतलब हेडक्वार्टर्स इसी को सिलेक्ट करना है। यस ओके नेक्स्ट रेंज AFR ओके AFR कुछ समझने का बात नहीं यहाँ पर यू आर चूजिंग व्हाट यू हैव टू चूज फॉलो कीजिए मिस्टर राहुल जी exactly. बोल रहे उसी को आप करते जाइए एकदम डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग एल्स नेक्स्ट कम्स पीरियड मतलब आप जो पेमेंट कर रहे हो किस पीरियड से किस पीरियड तक बहुत लोग मतलब सोच रहे हैं ऐसा कि मैं तो 100 साल बर्ड रखूँगा तो मैं आज 2024 है मैं 2124 में फ्रॉम से टू ऐसा बात नहीं है द पीरियड यू आर पेइंग सो दैट इज टुडे सो द पीरियड विल बी टुडे टू टुडे डेट सेम पेमेंट कर रहे हो उसका सिर्फ डेट डाल यस एब्सोल्युटली ये फ्रॉम टू टू 10 का अगस्त को आप उसको पेमेंट कर रहे हो 10th अगस्त आप उसका डेट यस सो फ्रॉम 10th अगस्त 27th अगस्त टू 27th अगस्त ऐसा बात नहीं कि 27th अगस्त से एक साल नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट आएगा रिमार्क्स अभी किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हो सर्विस तो आपने दे दिया एग्जॉटिक लाइफ की तो उसके तो बहुत सारा सर्विस होता है तो रिमार्क्स में आप क्या पुट करोगे ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम 1.0 परिवेश टू 2.0 समझ में आया क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर आपका जो 1.0 का फाइल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि जो ट्रांसफर एक्विजिशन है आप वो 2.0 में ट्रांसफर कर रहे हो दैट्स वाई यू आर पेइंग दिस अमाउंट ओके ओके मूविंग फॉरवर्ड अच्छा एक स्टेप में मिस कर गया यहाँ पर है रेफरेंस नंबर अभी जो पेमेंट कर रहे हो सर्विस आपने दे दिया रिमार्क्स भी दे दिया अभी तो आपका तो बहुत सारा बर्ड्स है या फिर बहुत सारा पेट्स है करेक्ट उसका एक प्रपोजल आईडी होगा अभी ये जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि जो पहले जो प्रपोजल आईडी 1.0 में था वही डाल दे नो यू आर डूइंग दिस फॉर 2.0 सो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था यू हैव टू डू टू थिंग्स टुगेदर यू हैव टू डू पेमेंट एज वेल एज यू हैव टू मेक द न्यू प्रपोजल ऑफ अप्लाई न्यू एप्लीकेशन तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं पहले पेमेंट बोल देता हूँ तो ये रेफरेंस आईडी आप याद रखिए कि रेफरेंस आईडी होगा न्यू प्रपोजल आईडी जो क्रिएट हो रहा है ओके न्यू एप्लीकेशन में जा वो मैं बाद में आता हूँ फिर से ओके अच्छा ये जो थोड़ा आगे पीछे स्टेप हो गया इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना आई होप सो क्योंकि मैंने बोला कि ये दो चीज़ साइमल्टेनियसली आपको करना होगा राइट यू हैव टू मेक द पेमेंट प्रोसीजर एंड यू हैव टू क्रिएट द न्यू एप्लीकेशन टुगेदर सो आप सोच रहे हो एक साथ आप जब नया एप्लीकेशन के लिए मेक अ न्यू एप्लीकेशन करोगे तभी आपका जेनरेट होगा न्यू प्रपोजल आईडी वो इसमें डालना होगा ओके एक चीज का ये आपका दूसरा चीज में डालना है एग्जैक्टली exactly. ये अनिर्बाधा का बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब जो क्लैरिफिकेशन में दे देता हूँ जिसके लिए पेमेंट कर रहे हो उसका एक रेफरेंस आईडी होगा और जब एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो तब पेमेंट आईडी क्या है वो पेमेंट आईडी इसका वो एप्लीकेशन में रहेगा ओके सो इट्स अ क्रिस क्रॉस वे ठीक है सब एक जुड़ा हुआ इट इज मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक मैंने लास्ट बोला रिमार्क्स हम लोग क्या कर रहे हैं 1.0 से 2.0 फिर एक नया पेज आएगा रेफरेंस आईडी को ध्यान में रखिए वो मैं फिर से बताता हूँ इसका नेक्स्ट जो स्टेप है आएगा सब सर्विस ठीक है सब सर्विस में आप लोग डालेंगे एप्लीकेशन फीस / रिन्यूअल फीस फॉर ब्रीडिंग लाइसेंस ठीक है फिर आएगा HOA डिस्क्रिप्शन इसका ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे जनरल डिडक्शन डिवीजन अदर रिसीट्स बस एक ही आएगा एक ही को सिलेक्ट करेंगे फिर आएगा हेड ऑफ अकाउंट किस अकाउंट में आप पेमेंट कर रहे हो याद रखिए ये लॉक्ड रहेगा ये आप चेंज नहीं कर पाओगे सो आपका जब वो स्टेट आप चूज कर रहे हैं ना कि कौन सा स्टेट में आप हो तभी ये चेंज हो जाएगा करेक्ट एब्सोल्युट सो दिस पार्ट विल गेट लॉक्ड अगर किसी का ब्लैंक आ रहा है इसका मतलब दैट बैंक अकाउंट ऑफ दैट स्टेट इज नॉट येट एक्टिव बैंक अकाउंट बहुत स्टेट में नहीं है अच्छा अभी जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करने जा रहे हो जिस अकाउंट में जिस अकाउंट में हम पेमेंट कर रहे हैं बहुत सारे स्टेट में अभी भी परिवेश वन ही इंस्पेक्शन नहीं हुआ है इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक
बंगाल इज लाइक हॉट स्पॉट बिकॉज द रीजन इज बांग्लादेश बॉर्डर पास हो रहा है यहाँ से. सो यहाँ पर लीगलाइजेशन बहुत स्ट्रिक्ट है. बहुत स्टेट में ऐसा हो सकता है कि अभी भी बहुत रिलक्टेंट है फॉरेस्ट ऑफिसर, दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट व्हाट परिवेश 1-2 एक्सेट्रा इज. सो एनीवे, बट ये आपको करना ही होगा एंड ऑफ द डे, ये आपको करना ही होगा. सो आप लोग जाइए, जाके आप क्या करेंगे, आपका जो हेड एक होगा, हेड ऑफिस होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, आप जाके पूछ लीजिए हेड ऑफ अकाउंट कौन से मैम 1,000 रुपये डालेंगे, ठीक है, वो आपको दे देगा, आप वहाँ पर पेमेंट कीजिए. नेक्स्ट आएगा अमाउंट. अमाउंट में आप टाइप करेंगे 1,000 रुपीज़. ओके, ये अमाउंट शुड नॉट गेट चेंज्ड बिकॉज अगर चेंज हो गया फिर रीज़न ऑफ जो पेमेंट है डिफरेंट हो जाएगा. ओके, तो आप सोचते 100 रुपये डाल के आप दे दिए, कोई पकड़ नहीं पाएगा, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है. और ऐसा भी गलती से एक जीरो ज़्यादा भी बैठ जा सकता है, फिर वो रिफंड भी नहीं होगा, फिर आप लोग नेक्स्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो 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 अभी तक किया है उसका एक समरी दे देगा. ओके, सो यू विल चूज वेरीफाइड, एक आएगा आई एम वेरीफाइंग दैट इट्स ओके एंड यू गो फॉर पे नाउ. पे नाउ करके आप लोग पेमेंट कर देंगे, आपका जैसा भी मेथड हो, एक ऑनलाइन पेमेंट आएगा. आई एम सिंस एवरीवन इज़ वॉचिंग इन यूट्यूब, सो मैं सोच रहा हूँ आप सबके पास UPI अभी है, सो आप UPI से ही पेमेंट कीजिए. UPI ID भी आएगा, UPI QR भी आएगा, सो आप QR से भी पेमेंट बहुत जल्दी से फटाक से पेमेंट हो जाएगा. ये जब पेमेंट हो गया तभी एक चालान आ जाएगा, ठीक है. ये चालान में ग्रिप्स पेमेंट ID लिखा रहेगा. दिस पेमेंट ID will be the reference number during the application you are making. Okay. तो आपको application के जगह में डालना है, और application का number इस जगह पे डालना है, वो रेफरेंस नंबर में इसका नंबर इसमें डालना है, उसका नंबर उसके डालना है, इंटरलिंक्ड हो, क्योंकि वो एप्लीकेशन के लिए 1,000 आपने पे किया है, क्योंकि आपका तो 10 एप्लीकेशन हो सकता है, कौन सा एप्लीकेशन के लिए कौन सा रेफरेंस रहना बहुत ज़रूरी है. ना चाहेंगे कि इज इट एट ऑल पॉसिबल कि ये आप एक जो पेमेंट बोला UPI के माध्यम से, उसको छोड़ के कोई और मोड ऑफ पेमेंट, किसी और तरह से पेमेंट. Absolutely, you can pay through your debit card, your credit card, through internet banking, कुछ normal, absolutely. So all payment option रहेगा, क्योंकि यहाँ पर this is a government site, you will have every option to even go to your bank and pay, okay? But in that case, this payment procedure get locked, right? You will not be able to get the payment ID right now. आप समझ रहे हो ना, वहाँ पर एक चालान आएगा, वो चालान आप प्रिंट करके सबमिट करोगे, फिर वो आके आप यहाँ पर डाल पाओगे, तो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा. तो ये पेमेंट ID आप कॉपी करके कहीं पर पेस्ट कर दे रहे. पेमेंट डन, 1,000 रुपीज़ डन. नाउ आई एम कमिंग टू द हाउ टू मेक द न्यू एप्लीकेशन. ओके, अभी पेमेंट का प्रोसीजर, हाँ, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन प्रोसेस. तो मूविंग फॉरवर्ड, जो पहला स्टेप एप्लीकेशन में आएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, पहला स्टेप, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल बी लॉक्ड. ये पार्ट टू आएगा इसका, जो फॉरेस्ट ऑफिसर आके फिल करेगा आपके घर पे. ओके, ये तो परिवेश टू लेके हम बात कर रहे थे. यस, परिवेश वन नहीं, ये परिवेश टू डायरेक्ट आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे. आपने जो सबमिट किया फॉर्म, ये फॉर्म का पार्ट वन है, वो फिल करेगा, ठीक है, वो फॉर्म टू फिल करेगा, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा. दिस इज ऑल्सो आई एम टेलिंग फॉर साइटिस टू स्पीसीज. आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए मेरा चैनल. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और बहुत काम में आएंगे.